मैं नंदू बोल रही हूँ। किसानों का टोनी कितना कर्जा बाकी है बोलो। अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है, कार्ड स्वाइप करके देख, 20,000 नहीं पूरे 20 लाख है। अकाउंट नंबर बोलो। अकाउंट नंबर लिख 1403100317। नंदू कलेक्शन तो 12 लाख ही हुआ है, बाकी पैसे तू कैसे चुकाएगी? 8 लाख मेरे अकाउंट में, मैं दे दूंगी। भेज दिया है ब्याज के साथ। 20 लाख। मैं आ रही हूँ, किसानों के पेपर्स रेडी रखो। और नंदू खुशी खुशी अपने गांव जा रही थी ताकि किसानों को उनकी खुशियां वापस मिल सके। मर गई? हाँ ये बात तो सच है, लेकिन इसके बारे में उसके परिवार और गांव वालों को कुछ नहीं मालूम। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? उदास क्यों बैठी हो? ये तो स्वर्ग है, यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, यहाँ सब सुख और आनंद से रहते हैं। मेरा स्वर्ग तो नीचे था। कहाँ? किधर? मेरे गांव में। तुम्हारे गांव में? वहाँ ऐसा क्या है? माँ पिताजी काका और काकी सब लोग हैं वहाँ पर तुम नहीं समझोगी, इसे महसूस किया जाता है। दरअसल मैं उस मूर्ति में थी, लेकिन तुमने मेरी बहुत तारीफ की इसलिए मैं इंसान बन गई। लक्ष्मी गणपति फिल्म्स, स्वर्ग की रानी पागल जैसा रवि, आज ही देखिए लक्ष्मी गणपति फिल्म्स, लक्ष्मी गणपति फिल्म्स, लक्ष्मी गणपति फिल्म्स। वाह 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 वा, क्या स्टोरी बनाई है। ये तो बाहुबली से भी अच्छी स्टोरी है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? राजामौली के पास जाते हैं, बाहुबली 3 बनाएगा। मैं सच कह रही हूँ रवि, मेरा यकीन करो। बकवास बंद करो। तुमने जब मुझे बताया कि नंदू की मौत हो गई है तो मुझे भी दुख हुआ, पर अब मैं समझ गया हूँ कि ये सब झूठी कहानी है। तुम्हारे लिए मैंने हरीश भाई से दुश्मनी मोल ली है। मेरे बचपन का दोस्त गिरी, उस पर मैंने तुम्हारे लिए हाथ उठाया। ये सब कहकर मैं कोई एहसान नहीं जताना चाहता, बस दुख तो इस बात का है कि तुम मुझे समझ नहीं पाई। मैं ही पागल हूँ। हाँ, हमारे बीच कोई रिश्ता थोड़ी ना था जो तुम मुझे सब कुछ सच बताओगी। लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं है नक्षत्र। नहीं अनाड़ी बेवकूफ, अब हमारा साथ गुजारा नहीं हो सकता। मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। कभी जिंदगी में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। Thank you.
हे भगवान, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? जिंदगी भर छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागता रहा, पर सामने इतने कीमती हीरे को पहचान नहीं सका। लेकिन एक एंजल आकर मेरे साथ घूम रही है, मैं कैसे यकीन करता नक्षत्र? ठीक, सब मेरी गलती है, बस एक बार मुझे माफ कर दो नक्षत्र, प्लीज। बचपन से मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा। आज जब तुम मुझे छोड़कर गई हो, तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ हूं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? तुम मेरे जीने का सहारा हो। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं मैं बता नहीं सकता। I love you, Nakshatra. I love you, Nakshatra. I love you, Nakshatra. I love you, Nakshatra. लास्ट वीक एक धांसू जमीन देखा। हाँ। एक कॉर्नर पर रोड और हाँ। दूसरे पर पेड़। भाई क्या आप लोग वो पीपल के पेड़ की जमीन के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, उस जमीन के बारे में सोचना भी मत, मेरी हाँ। बात मानिए। क्या बक रहा है ये? जिस किसान की आपने जमीन हड़पी थी, उसकी पत्नी पेड़ से लटक के सुसाइड कर लिए और अब वो चुड़ैल बन गई है। चुड़ैल? अरे क्या चूहे जैसी बातें करता है? अरे वो चुड़ैल है तो हम शैतान है। एक बार बुलाओ उस चुड़ैल को, उसको चौकड़ी में बिठाकर उसके हाथ की रेखा पर भी मैं कब चलाऊं उसको। ये लाइट कहाँ चली गई? लाइट चली गई। क्यों, क्या हुआ? अरे बेवकूफ, चुड़ैल आ गई। चुड़ैल भाई, मैं निकलता हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया। मेरी हाथों की रेखाओं पर कब्जा करेगा? ले करना। और तुम लोग करोगे? कहाँ गई? अरे कहाँ गई? पेपर मिल गए, चलो जल्दी। चलो, चलो। भाई, तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ है। अरे मेरे जमीन का पेपर, अरे कोई ले न गया हो? ये देखिए, अरे प्रॉमिस नोट किधर है? यही तो था। अरे पेपर बात हो गया। आज से आपकी जमीन आपकी ही है। हमने वसूली का पूरा कर्जा चुका दिया है। बेटा, तुम हमारे लिए फरिश्ते की तरह आए हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। नंदू ने तुझे पैसे दे दिए, ये तू भी जानता है और मैं भी। गांव वालों को पता चल गया तो जंगली सुअर की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। मैं ये पूछने के लिए नहीं आया। फिर इन लोगों के पेपर के साथ तुम बाजू वाले गांव के भी पेपर साथ में ले आए? हाँ।
सॉरी ब्रो। सॉरी, मैं तुझे देख लूंगा। देख ले। अच्छा हुआ इस गांव की तकलीफ दूर हो गई, नंदू की इच्छा पूरी हो गई। ये गांव और यहाँ के लोग